सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको क्या तक्वा अता फरमाया था। चुनाचे हसन बिन सालेह कहते हैं कि मैंने किसी फकीह को अबू हनीफा से ज्यादा अपनी जान और इल्म की हिफाजत करते नहीं देखा। वो बहुत से हलाल माल को शुबों की बिना पर छोड़ दिया करते थे। यजीद बिन हारून उनके एक शागिर्द हैं, फरमाते हैं कि मैंने 1000 असातिज़ा से इल्म हासिल किया, अल्लाह की कसम मैंने अबू हनीफा जैसा मुत्तकी उनमें से कोई नहीं देखा। अल्लाह के यहां कबूलियत की कोई बुनियाद होती है, कोई वजह होती है। अली बिन हफस रवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने इमाम अबू हनीफा के साथ शराकत पे कारोबार शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं दुकान संभालूंगा, आप इन्वेस्ट कर दें। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तैयार हो गए, कपड़े की दुकान थी, तो एक कपड़े का थान ऐसा आया जिसमें कोई नुक्स था, तो उन्होंने इनको समझाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कि भाई ये थान बेचने से पहले गाहक को बता देना इसके अंदर ये ऐब है, तब इसको बेचना। उसने कहा जी बहुत अच्छा। एक दिन जो आप तशरीफ लाए तो देखा कि वो थान नहीं, पर मैं वो थान ले गया, कोई बताया था? उसने कहा जी मुझे याद नहीं रहा। जब उसने कहा मुझे याद नहीं रहा, 30,000 दरहम इन्वेस्ट किए हुए थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कारोबार भी खत्म कर दिया, पूरे 30,000 दरहम अल्लाह के रास्ते में सदका भी कर दिया। ऐसे लगता है कि वो लोग जरा सा भी शक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक दफा पता चला कि चोरी की बकरी कूफा की बकरियों में मिल गई है, तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने मशवरा किया कि बकरी की उम्र कितनी होती है। उन्होंने कहा जी 7 साल तक उम्र होती है ज्यादा से ज्यादा। इमाम आजम रहमतुल्लाह ने 7 साल के लिए बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, क्या पता जो ये गोश्त में खा रहा हूं ये वो चोरी की बकरी हो। या अल्लाह, हजारों बकरियों में अगर कोई एक बकरी मिल गई, एहतियात देखिए। चुनाचे एक मरतबा कश्ती पे सफर कर रहे थे, एक फौजी भी बैठा हुआ था, मछली खा रहा था, उसने आधी मछली खाई और बाकी आधी दरिया में डाल दी। उसके बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस दरिया की मछली नहीं खाया करते थे। कहते थे फौजी के अपनी आमदनी वाली जो मछली थी वो दरिया में फेंकी और मछलियों ने खाई वो गिदा, अब मैं उन मछलियों को भी नहीं खाना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा, हैरान होते हैं। जोहर के वक्त दुकान बंद करके आ रहे हैं, किसी ने कहा कि हजरत आप मगरिब के वक्त बंद करते थे, जोहर के वक्त क्यों बंद की? फरमाने लगे कपड़े की दुकान है और जब आसमान पर बादल हो, रोशनी पूरी ना हो, तो गाहक को कपड़े की क्वालिटी का सही पता नहीं चलता। मैंने दुकान बंद कर दी, कोई बंदा कम कीमत कपड़े को बेश कीमत समझ के मुझसे न खरीदे। ऐसे लोगों को देखने को अब आंखें तरसती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वकी बिन जरा कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास कपड़ा है, हाजतमंद हूं, मैं बेचना चाहती हूं। भाई कितने में बेचेंगी? उसने कहा 100 रियाल में, 100 दरहम में। कहने लगे नहीं, कपड़ा ज्यादा है, कीमती है, तुम्हें पता नहीं इसकी कीमत का, तुम थोड़ी कीमत लगा रही हो। उसने कहा कि 200 दरहम में। फरमाने लगे कि नहीं, तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं
कीमती कपड़ा है। उसने कहा 300 दिरहम। नहीं भाई कीमती है। अच्छा 400 दिरहम। तो जब 400 दिरहम पे आई तो फरमाने लगे कि घर के किसी मर्द को लेकर आओ तब खरीदूंगा। अब एहतियात देखो कि कहीं चोरी का कपड़ा ना हो। तो फरमाया मर्द को लेके आओ तब खरीदूंगा। वो अपने खाविंद को लेकर आई, इमाम साहब ने उस कपड़े को 500 दिरहम के बदले खरीदा। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरादा किया कि मैं अपने घर के काम के लिए एक बांदी लेता हूं। तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं 10 साल मशवरा करते रहे अपने साथियों से कि किस इलाके की बांदी शरीयत की तमाम शरायत के मुताबिक बिल्कुल सही होती है। 10 साल फैसला नहीं किया। अल्लाह अकबर। 10 साल पूछ गुछ करते रहे, बांदी नहीं खरीदी। ऐसा ना हो कि कोई शर्त पूरी ना होती हो और ये बांदी बनी हो। इतनी एहतियात। खारजा उनके एक शागिर्द थे, वो फरमाते हैं मैंने हज पे जाना था तो मैंने कहा कि हजरत मेरी एक बांदी है, मैं आपके घर छोड़ देता हूं, मुझे 4-5 महीने हज पे लग जाएंगे तो वापस आऊंगा तो अपने घर ले जाऊंगा। इमाम साहब ने मेरी मजबूरी देखकर इजाजत दे दी। मैं जब 5 महीने के बाद वापस आया, इमाम साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि हजरत मैं बांदी को बहुत समझा के गया था कि आपकी खूब खिदमत करे और कोई तकलीफ ना पहुंचने दे, तो इस दौरान मेरी बांदी ने अच्छी खिदमत की या नहीं की? तो मुस्कुराकर फरमाया कि मैंने तो तेरी बांदी को देखा ही नहीं है। 5 महीने बांदी घर रही, एक नजर भी उसके ऊपर नहीं था। इसको तकवा कहते हैं। ये वो तकवा था कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां उनको कबूलियत। हाकिम वक्त ने एक मर्तबा कहा कि जी मैं आपको चीफ जस्टिस बनाता हूं। फरमाया नहीं मैं नहीं बनता। उसने कहा वादा करो फिर तुम फतवा नहीं दोगे। अब जान छुड़ानी थी, वादा कर लिया। घर में थे तो घर की किसी औरत ने एक मसला पूछा तो फरमाया कि हम्माद, अपने बेटे का नाम लिया, हम्माद से मसला पूछ लो। उसने कहा आप क्यों नहीं बता रहे? फरमाने लगे कि मैंने हाकिम वक्त से अहद किया कि मैं आज के बाद फतवा नहीं दूंगा। वादा हाकिम से किया और घर की औरत को भी फिर मसला नहीं बता रहे। फिर अल्लाह ने किया कि दूसरा अच्छा हाकिम आया और उसने इमाम साहब की इस शर्त को खत्म फरमा दी, तो आपने फिर फतवा देना शुरू कर दिया। इतनी एहतियात समझ में ही नहीं आती। सख्त गर्मी का मौसम, धूप में खड़े हैं तो आपके एक शागिर्द यजीद बिन हारून वो गुजरे, कहने लगे हजरत पसीना आ रहा है, इतनी सख्त गर्मी है, धूप में खड़े हैं, यहां साए में आ जाएं। फरमाने लगे कि इस बंदे ने मुझसे कर्जे हंसना लिया हुआ है और आज की डेट इसने दी थी कि मैं आपको कर्ज दे दूंगा, मैं कर्ज लेने के लिए आया हूं, इसकी दीवार के साए में अगर खड़ा होऊंगा तो कहीं वो मेरे माल का सूद न बन जाए।